स्टूडेंट जो भी बीए एमबीए के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको मैंने सेकंड यूनिट ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करा दिया। पहले यूनिट में सेंटेंसेस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया था और सेकंड यूनिट में मैंने उनको आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के जो ऑटो टर्म्स हैं जो दिए गए हैं आठ उसमें टॉपिक्स स्पेशली दिए गए थे वो हमने कम्प्लीट करा। अगला जो थर्ड यूनिट है आपकी वो मेनली तीन जो है टॉपिक्स में डिवाइडेड है, आर्टिकल, नंबर्स एंड जेंडर, यानी कि व्हाट इज आर्टिकल एंड व्हाट इज नंबर एंड जेंडर, तीनों है। तीनों को तीन दिन में अलग अलग डे पे हम देखेंगे। आज फर्स्ट डे पे हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या है, वास्तव में होता क्या है आर्टिकल। आर्टिकल एक सहायक है, क्या है आर्टिकल, क्या है कि एक पार्टिकुलरली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल एज वी नो दैट डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हम जानते हैं कि यूज डेफिनेट आर्टिकल्स में उसमें देखेंगे कि मूल रूप से जो मेनली जो आर्टिकल यूज होते हैं ए होता है, एन होता है और बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने जनरली ये बताया कि डेफिनेट इंडेफिनिट के लिए तो जनरली एन का इस्तेमाल किया जाता है, बी के द के लिए जो है डेफिनेट अगर आर्टिकल है तो वो ऑलरेडी ये जो है द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वास्तव में है क्या आर्टिकल्स ए एडजेक्टिव व्हिच इज लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक जो आर्टिकल है चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है वास्तव में और उसे यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मतलब यूजुअली इन्हें ही आर्टिकल कहते हैं। द एडजेक्टिव ए एंड ए और एन एंड डी आर द आर्टिकल्स यूजुअली कॉल्ड एज आर्टिकल। यानी कि जो एडजेक्टिव हैं कौन कौन से, ये ए एन और डी जो एडजेक्टिव हैं यूजुअली बी कॉल्ड द आर्टिकल। इन्हें ही हम क्या कहते हैं आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्या है, ये यूज अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ढंग से किए जाते हैं। कब होता है इनका इस्तेमाल इसको देखेंगे। क्या ए एन डी जो कि क्या है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। इनका जो इस्तेमाल है, जो ए एन डी का ए एन का इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा अनिश्चित क्रिया अनिश्चित वाक्यों के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सारे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने यूज किया ए डॉक्टर, अरे भाई ए डॉक्टर इज ऑलरेडी और डॉक्टर हु दैट डॉक्टर हु इज नॉट आइडेंटिफाइंग पार्टिकुलर पर्सन मींस दैट यहां क्या है कि कौन डॉक्टर है इसके बारे में नहीं लिखा है, एक डॉक्टर की बात कही गई है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, एक गर्ल या कुछ भी, एक टेबल के फैन है, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसे ऐसी वस्तुओं का, ऐसी थिंग्स का या ऐसे आर्ट मटेरियल्स का या ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि निर्धारित ना हो किसके बारे में कहा जाता है, उसके पहले हमेशा क्या लगाया जाता है ए का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो डेफिनेट इंडेफिनेट है अनिश्चित अनिश्चित जो है क्रियाओं के बारे में बताता हो या अनिश्चितता का जो है अनिश्चितता के बारे में प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसा कि जानते हैं दो ही टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनिट होगा एक जो है इंडेफिनिट होगा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने बताया कि ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है और द का इस्तेमाल हमेशा डेफिनिट के लिए किया जाता है। यानी डेफिनिट का मतलब होता है निश्चितता के लिए। अगर जिस वाक्य में निश्चितता हो ऐसे वाक्यों में इन एनी सेंटेंसेस व्हिच इज ऑलरेडी डेफिनिट
यानी कि विच इज सर्टेन पार्ट ऑफ पार्टिकुलरली, यानी कि किसी एक के लिए वो निश्चित कर दिया गया है दैट द शुड मस्ट बी दैट नाउन बिफोर यूज द, उसके जस्ट उस संज्ञा के पहले जस्ट द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उस रूल को नॉर्मली आप इंटर वगैरह में पढ़ते आए हैं, हम बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमें अपना कंप्लीट कोर्स भी कंप्लीट करना है, लेकिन हम इतना एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो जो ये द का इस्तेमाल किया जाता है वो डिफिनिट के लिए किया जाता है, यानी कि जो द ए और एन है वो जो है इंडिफिनिट है, और द का इस्तेमाल हमेशा दी का इस्तेमाल हमेशा डिफिनिट के लिए किया जाता है। ये डिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और ऐसे में ये क्लियर कर दिया जाता है कि जो है किसके बारे में कहा जा रहा है। थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं, देखिए जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है वस्तु के आगे, तो हमेशा ए का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
अगर कोई विशेष वस्तु है, जैसे अगर मान लीजिए कोई शहर है, तो हमेशा वहाँ भी हमेशा तब डिफिनेट की बात कही जाएगी। अगर पार्टिकुलर अगर एक सिटी की बात की जा रही है तो एक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम डेफिनेटली अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं, किसी शहर की बात की जा रही है, इन एनी सिटी, तो ऐसे कसम में ये का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलरली उसके बारे में नाम देती हुई, यानी कि दिल्ली इज अ बिग सिटी, यानी कि द दिल्ली इज अ बिग सिटी, अगर हम पार्टिकुलर किसी शहर के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ डिफिनिट हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल्स के बारे में ये नॉर्मली रूल यही कहता है कि डिफिनिट आर्टिकल जो होगा, ए और एन का इस्तेमाल आप प्रीवियस कक्षाओं में पढ़े ही हैं, तो जनरली ए का इस्तेमाल वहीं ऐसे वस्तु स्थान के पूर्व लगाया जाएगा जो कि नाउन के रूप में होंगे, नाउन के पहले जस्ट लगाया जाएगा जिनके पहले ये वॉवल्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वॉवल्स हैं तो उनके उनके पहले वर्ड के पहला अक्षर जो है, अगर मान लीजिए वॉवल्स है तो एन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा हम देखते हैं, आते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। मैंने बताया डेफिनेट आर्टिकल में एक आर्टिकल द होता है, स्पेशली किसके बारे में बताता है द, उस विशेष के बारे में बताता है जिसके बारे में हमने बात करी। तो उसको कैसे, जैसे ही सा द डॉक्टर, यानी सा द डॉक्टर का मतलब वही डॉक्टर कौन सा, जिसको उसने देखा। ही सा द डॉक्टर किसके बारे में, पार्टिकुलरली पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, पार्टिकुलरली यहाँ की पार्टिकुलर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसी दशाओं में जो वहां जहां ऐसे वर्ड का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां द का इस्तेमाल, जैसे और है डेफिनेट वर्ड में द गर्ल क्राइड, द गर्ल क्राइड, लड़की रोई, कौन सी लड़की हुई, वो पार्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं कि वो लड़की हुई। ठीक है, ऐसे लेट अस गो टू द पार्क, यानी कि किस पार्क की बात, हमें चलना चाहिए पार्क, चलना चाहिए हमें पार्क जाना चाहिए, कहाँ उस पार्क की बात की जा रही है, जो पार्टिकुलरली पार्क है उसकी बात की जा रही है। जैसे मैंने और कहा डिफरेंट आर्टिकल के और एक दो एग्जांपल्स देते हैं, मैंने आपको बताया कि मतलब जैसे शहरों के आगे नाम, पहाड़ों झरनों नदियों इत्यादि के आगे भी द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पार्टिकुलर अगर नाम के साथ आया है, यानी कि आर रिवर की बात कही जा सकती है। ठीक है, रिवर की बात अगर आ रही है आर रिवर, यानी कि ये इंडिफिनिट है, नदी कौन सी है इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन अगर गंगा लिखी है तो गंगा की बात कही जाएगी तो द गंगा रहेगा, यानी कि द गंगा इज ऑलरेडी है ए पार्टिकुलर रिवर, सो हियर वी यूज बिफोर गंगा यूज द आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल विच इज द, मीन्स अ सिटी कह सकते हैं, एक सिटी है, बट आपने कहा सिटी दैट्स नेम इज द कानपुर। अगर ये नाम लिखा हुआ है पार्टिकुलरली उस सिटी का नाम हम लिख रहे हैं, तो ऐसी दशाओं में हम बी यूज द बिकॉज इट्स आल्सो ए सिटी। अगर जी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिटी है, कौन सी सिटी है डज नॉट क्लियर, सो
अगर ये क्लियर है, अगर ये सर्टेन है, तो यहाँ पर हमेशा द का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे अगर और ए के बारे में कैसे ए बुक भी कह सकते हैं, ए काउ भी कह सकते हैं, एन आउल कर सकते हैं, एन आउल भी कर सकते हैं, एन इंफिनिट तो मैंने बताया ही था, इस तरह से जो ये कंप्लीटली जो आपका आर्टिकल पार्ट है ए एन और दी, मैंने कहा कि जनरल रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं कंप्लीट। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में जो आर्टिकल का पार्ट था इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, और हमने जो इसके जो जनरली जो डायरेक्शन टाइप के मतलब इसमें हिंट्स दिए गए थे, रूल्स थे, उसको मैंने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे पे नंबर को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।